अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट किंगडम एनिमेलिया। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट डोमेन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड देन वी डिस्कस अबाउट फाइलम्स एंड हाउ कॉम्प्लेक्सिटी डिवेलप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सब किंगडम पैराजोआ एंड सब किंगडम यूमेटाजोआ। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर दो सब किंगडम हैं, एक पैराजोआ और एक यूमेटाजोआ। पैराजोआ से मुराद ये है स्पैराजोआ, दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। जोआ का वर्ड हम जोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एनिमल्स, जबकि जो पैरा है इट मीन्स कि इनके अंदर जो है वो टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। और ये सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं, सबसे सादा तरीन जानदार हैं, इनके अंदर टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती एंड दे डू नॉट हैव एनी प्रिसाइज्ड और फिक्स्ड शेप, यानी इनकी शेप बड़ी बेतरतीब सी होती है। इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, यानी कोई तरतीब नहीं है, कोई तवाजुन नहीं है बॉडी के अंदर, तो ये क्या होती है, एसिमेट्रिकल है। इसके अलावा इसके अंदर एक ही फाइलम है जो हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस में जो है, दैट इज़ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा मींस पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस। आम लफ्ज़ों में हम उसे स्पॉन्जेस कहते हैं और वैसे इस फाइलम को हम कहते हैं पोरीफेरा, और इसे हम कहते हैं पोरीफेरांस। अब जो सब किंगडम यू मेटाजोआ है, यू का मतलब होता है ट्रू, मेटा का मतलब कि इनके अंदर टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी, और जोआ का मतलब एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जिनके अंदर ट्रू टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, यू मेटाजोआ। तो आपने सीखा कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर दो सब किंगडम है, एक पैराजोआ और एक यू मेटाजोआ। पैराजोआ में कोई सिमेट्री नहीं होती, ये एसिमेट्रिकल सादा तरीन जानदार हैं, इन्हीं को कंसिडर किया जाता है कि ये इन्हीं से जो है बाकी सारे जानदार जो है वो इन एवोल्यूशन हुई है। और इसके बाद यू मेटाजोआ है, यू का मतलब ट्रू, और जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी सिमेट्री है, यानी तरतीब में है, तवाजन है बॉडी का, बॉडी पार्ट्स समझ आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 29 फाइला हैं, यानी किंगडम के अंदर जो एक उसका टैक्सा है, ग्रुपिंग है, क्लासिफिकेशन की, वो फाइलम है। सबसे ऊपर हाईएस्ट में आता है डोमेन, फिर आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम। तो इसके 29 फाइला हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे हमारे सिलेबस में यहाँ पर शामिल नहीं है, वो आगे चल के आप जूलॉजी में डिस्कस करते होते हैं बीएस में या बीएससी में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सिमेट्री क्या है। बेटा सिमेट्री जो है वो बायोलॉजी के में इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डुप्लीकेट बॉडी पार्ट्स और शेप्स विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डुप्लीकेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बाजू हैं, एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर, या दो टांगे हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, या कोई शेप है, यानी कि अगर कोई एनिमल जो है जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, उनका हेड है, उनकी थॉरेक्स है, एब्डोमेन है, उनके ऊपर विंग्स लगे हुए हैं, तो इट मींस कि कोई बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है डुप्लीकेट्स बॉडी पार्ट्स की, या शेप्स है एक ऑर्गेनिज्म की बड़ी मतवाजन सी बैलेंस्ड फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो बेटा दो तरह की सिमेट्री हम डिस्कस करेंगे, एक रेडियल और एक बाइलेटरल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रेडियल लॉ जो है वो किसी एक्सिस के इर्द गिर्द वाली सिमेट्री होगी, जबकि बाई का मतलब होता है ट्रू और लेटरल का मतलब है अतराफ़। तो अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज़म्स को और बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज़म्स को। तो सबसे पहले आपको रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज़म्स को हम रखते हैं ग्रेड रेडिएटा के अंदर, यानी हम उनको कैसे डिस्कस करते हैं, ग्रेड रेडिएटा में। रेडिएटा का मतलब रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म रखने वाले ऑर्गेनिज्म, एटा का मतलब होता है टू हैव टू बियर, और रेडियली सिमेट्रिकल रखने वाले ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनकी जो पहचान है वो ये है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक की टर्मिनोलॉजी में आगे चल को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊँगी कि इनकी बॉडी के अंदर टू बॉडी लेयर्स होती हैं, दे हैव टू बॉडी लेयर्स, डिप्लो मीन टू और ब्लास्टिक मतलब लेयर्स, टू जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ये बातें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। तो बेटा जो रेडियल सिमेट्री होती है, इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, ये एक ऐसी कंडीशन है या ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की जिसमें
parts of the body are arranged around a central axis in such a way that any plane passing through the central axis divides the animal into two parts that are almost mirror images of each other. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये एक सी एनिमल है, ये आपको उसकी अतराफ से दिखा रहे हैं और ये आपको उसका ऊपर वाली साइड से दिखाया जा रहा है। अब देखें कि इसका जो है बॉडी इस तरह से तरतीब में है कि आप किसी भी साइड से एनिमल को उसके सेंट्रल एक्सिस, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, उसके सेंट्रल एक्सिस में आप एनिमल को किसी भी इक्वल हाफ में कट करें तो वो एनिमल क्या होगा, एक दूसरे का जो इसका ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे। तो आप देखें कि इसमें एक से ज़्यादा प्लेन है, 1, 2, 3, 4, यानी आप एक से ज़्यादा प्लेन में अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, इसका ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, इस सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं एनिमल को, अगर एक से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो वो जो पार्ट्स होंगे वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, यानी इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड मिरर इमेज एक जैसी होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी, उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी बॉडी पार्ट्स की वो बिल्कुल सेम होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ये इसके अंदर एक फाइलम आता है, जो एक ही फाइलम है जो हम डिस्कस करते हैं, फाइलम नाइडेरिया, या इसे हम कहते हैं फाइलम सैलेंट्रेटा। सैलेंट्रेटा को हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम हाइड्रा, सी एनिमल और जेलीफिश लाइक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हुए हैं। तो ये भी हमारे सिलेबस में एक ही फाइलम है, तो होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेड बाइलेट्रिया। अब बेटा लफ्ज़ का मतलब समझिएगा, बाई का मतलब होता है टू और लेट्रिया का मतलब अतराफ, यानी एनिमल की बॉडी इस तरह से होगी कि आप उसको अगर उसके दो हाफ्स बनेंगे, ठीक है, एक उसकी राइट साइड होगी, एक उसकी लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके अंदर टू बॉडी लेयर्स नहीं होती बल्कि तीन जर्म लेयर्स होती हैं जिनसे इनकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिवेल्प होता है। इसमें एक एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री की जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए समझ। बेटा इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसी कंडीशन या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो राइट साइड है बॉडी की एनिमल की इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी तकरीबन सेम होगी एज द लेफ्ट साइड, यानी कि एनिमल की दो अतराफ हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो जो राइट साइड है लेफ्ट साइड एक दूसरे के क्या हैं, अप्रॉक्सीमेटली हैं, तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड हेड रीजन होगा और एंटीरियर साइड पे होगा, और जो उसका डिस्टिंक्ट पोस्टीरियर एंड होगा, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने प्लेनेरिया पढ़ते होते हैं, प्लेनेरिया की बॉडी अगर आपको याद हो इस तरह से होती है, ठीक है, तो उसका भी एक इस तरह सेंट्रल एक्सिस, एक उसकी राइट साइड होगी, एक उसका लेफ्ट साइड होगा, ये जो उसका एक इंटीरियर साइड होगा ये उसकी पोस्टीरियर साइड होगा। तो जिस तरह से ये है, ये इसका इंटीरियर साइड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है। तो क्लियरली डिफाइंड यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस भी होगी। बेटा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि आपको इसका पता हो कि डॉर्सल साइड क्या होती है। बेटा डॉर्सल साइड जो बैली, जो हमारा बैक पोर्शन होता है, यानी जो एनिमल का बैक साइड जो सन को फेस करता है, जो सूरज की तरफ होता है, जो ऊपर की तरफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड। और जो बैली पोर्शन होता है जो नीचे होता है, जो ज़मीन को ग्राउंड को टच करता है या नीचे की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड। तो यहाँ पे क्लियरली एक डॉर्सल और वेंट्रल साइड होगी। ये जो एनिमल का बैली पोर्शन है दिस इज़ इट्स वेंट्रल साइड, और ये जो इसका बैक साइड होगा जो सन को फेस करता है, सूरज की तरफ होता है, उसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं। अब इसमें एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी लाइन, यानी अगर आप एक इमेजिनरी, मतलब ये नहीं कि इसको कट लगा देना है, इसका मतलब है कि अगर आप इमेजिनरी लाइन इमेजिन करें तो यहाँ पे एक प्लेन जो है वो पास करता है इस तरह से, तो उसमें एक उसकी राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी बाकी सारे के सारे फाइलम हैं वो इसी बाइलेटरली सिमेट्री के अंदर आते हैं। अब ये एक हमारे पास स्क्विरल है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री अच्छे तरीके से बताई गई है। आपको पता है ये इसका हेड है तो ये इंटीरियर साइड है, ये इसकी टेल है तो ये पोस्टीरियर साइड है, ये इसका बैली पोर्शन जो ज़मीन को ग्राउंड को टच करता है उसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड, और ये इसकी डॉर्सल साइड है जो कि सन को फेस करती है, ये इसका फ्रंटल प्लेन है, ये इसका सैजिटल प्लेन है, और ये इसका ट्रांसफर, यानी आप इसको दरमियान में यहाँ से कट लगाएं तो उसे ट्रांसफर प्लेन कहते हैं, इस तरह से होगा तो उसे हम सैजिटल प्लेन कहेंगे। इसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन या समझने एमसीक्यू बनता है, और ये एक्सेप्शनल केस है कि जितने भी एनिमल्स हैं अदर देन फाइलम इकानोडर्मेटा, ठीक है,
जो इकाइनोडर्मेटा है बेटा उसके अंदर जो उसका लार्वल स्टेज होती है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ये देख सकते हैं ये उसका लार्वल स्टेज है। तो लार्वल स्टेज कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। जबकि जो उसका एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है ड्यू टू देयर स्पेशल मोड ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा, आपने सुना है कि जो स्टार फिश होती है उसके 5 बाजू होते हैं 6 बाजू होते हैं, यानी ये देखें 6 बाजू हैं 5 बाजू हैं। तो इसको यहाँ से कट लगा लो, यहाँ से कट लगा लो, यहाँ से चाहे जिस तरफ मर्जी प्लेन से कट लगाओ अराउंड सेंट्रल एक्सिस, तो वो एक से ज़्यादा पार्ट्स में कन्वर्ट होगा और वो पार्ट्स एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेजेस होंगे। तो ये एक हमारे यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वल स्टेज है, यानी जो जो हम कहते हैं कि जो अंडा जिसे कहते हैं ना आप, एग स्पर्म मिलते हैं उसके नतीजे में जो स्पर्म और एग के मिलने से जो जायगोट बनता है उससे जो फर्टिलाइज जो होती है आगे क्लीवेजेस होती हैं उसके नतीजे में जो लार्वी बनता है, तो लार्वी बेटा यहाँ पे बाइलेटरली सिमेट्रिकल है जबकि उसका जो एडल्ट है वो कैसा होता है? वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। तो ये हमारे पास यहाँ तक आज का लेक्चर था, होपफुली आज आपको समझ आया होगा। आज हमने जो डिस्कस किया है तो आज हमने रेडियल सिमेट्री को डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।